मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इस बार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी को आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला है। अब इस पद के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। कांग्रेस के कई नेता और सांसद अब एक सुर में मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया जाना चाहिए। इस पर विजयवर्गीय ने चुटकी लेते हुए कहा कि अच्छा है, लोकसभा में बैठने का लोगों में उत्साह रहेगा, वे कब क्या बोलेंगे और कब क्या हंसी का माहौल बन जाएगा। तीसरी बार सरकार बनने पर विजयवर्गीय ने कहा कि दो पारी में जैसे खेले हैं वैसे ही तीसरी पारी में भी खेलेंगे। देखिए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बार ओथ ली थी और उसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री तीसरी बार ओथ नहीं ले सका। हमें देश की जनता ने जिस प्रकार मोदी जी को आशीर्वाद दिया है तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का, तो हम सब गौरवान्वित हैं। गठबंधन कह रहा है कि उन्होंने ऑफर किया था नीतीश कुमार को पीएम के लिए, जेडीयू के केसी त्यागी ने बात कही है, आपका इस पर क्या कहना है? अब मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कांग्रेस की बात है, जेडीयू से बोला, मैं इसके ऊपर क्या टिप्पणी करूं। गठबंधन ये भी कह रहा है कि उन्हें बुलाया नहीं गया है, वो तो पाकिस्तान इंडिया का मैच देखेंगे, शशि थरूर ने ये कहा है। अब ऐसा है कि अपरिपक्वता राजनीति की विपक्ष में इस प्रकार है कि कभी कभी शर्म भी आती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ओथ सेरेमनी हो और उनको निमंत्रण नहीं जाए, बाकायदा निमंत्रण गया। लोग राहुल जी सदन में बैठेंगे तो संख्या अच्छी रहेगी क्योंकि पता नहीं कब क्या मिमिक्री करते हैं, लोगों को इस बात का इंतजार रहेगा।